ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम हलवाई स्टाइल में मूंग दाल का हलवा बनके तैयार है। इस हलवे की खास बात यह है कि इस हलवे को हम बिना भिगोए बनाएंगे इंस्टेंट तरीके से। और आप देख पा रहे होंगे हलवा हमारा यहाँ पर कितना दानेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, शादी पार्टियों से भी ज़्यादा टेस्टी मूंग दाल का हलवा घर पर बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो ये आसान और टेस्टी सी रेसिपी आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए फटाफट मूंग दाल का हलवा बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी मूंग दाल लिया है, वज़न के हिसाब से बोले तो 250 ग्राम है। हलवे में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और साथ ही साथ मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, एक कटोरी घी लिया है और साथ में चीनी ली है। यहाँ पर हम इंस्टेंट तरीके से मूंग दाल का हलवा बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मूंग दाल को एक बाउल के अंदर डालेंगे और इसमें पानी डाल के और 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि दाल के ऊपर जितना भी केमिकल लगा हुआ होता है वो अच्छे से साफ हो जाए। हम यहाँ पर इंस्टेंट तरीके से मूंग दाल का हलवा बना रहे हैं। हम दाल को पहले से भिगो के नहीं रखे हैं। दाल को मैंने यहाँ पर 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। दाल के ऊपर जितने भी केमिकल्स लगे हुए होते हैं वो वॉश करने से अच्छे से हट जाते हैं। तो अब हम दाल को स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे। दाल को मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर में डालकर अच्छे से छान लिया है। इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा बाउल के अंदर निकल गया। अब हम यहाँ पर एक सूती किचन टॉवल लेंगे और उसके ऊपर हम दाल को डाल देंगे। दाल को हम मसल मसल के और टॉवल से अच्छे से सुखा लेंगे। दाल हमारी टॉवल से पोंछने पर ही अच्छे से सूख जाएगी, क्योंकि हमने दाल को यहाँ पर भिगो के नहीं रखा है, हम दाल को यहाँ पर सिर्फ वॉश किए हैं। तो दाल हमारी यहाँ पर ज़्यादा गीली नहीं है। अभी हम टॉवल से ऐसे पोंछेंगे तो दाल हमारी तुरंत सूख के तैयार हो जाएगी। दाल को मैंने यहाँ पर किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ के और सुखा लिया है। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और पैन के अंदर दाल को डाल देंगे। अब हम दाल को पैन में डालकर लो मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। दाल को हम यहाँ पर बिना किसी घी या ऑयल डाले भूनेंगे। अब दाल को हम लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। दाल को हम यहाँ पर तब तक भूनेंगे जब तक कि दाल हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें से हल्की खुशबू ना आने लग जाए। तब तक हम दाल को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारी अच्छे से भून के तैयार हो गई है और दाल का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन आ गया है और दाल से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है और दाल को लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही भूनना है। यहाँ पर दाल को भूनने में मेरे को 10 से 15 मिनट लग गए हैं और दाल हमारी अच्छे से भून के तैयार हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके और दाल को थोड़ी ठंडी होने देंगे और दाल को हम यहाँ पर एक बड़े बर्तन में निकाल के और ठंडी करेंगे। उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। दाल को 2 से 3 मिनट तक ठंडी होने देंगे। दाल यहाँ पर पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम इसको मिक्सर जार में डाल के और दरदरा पीस लेंगे। दाल को हम यहाँ पर दरदरा पीसेंगे, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। ये लीजिए, दाल को भी हमने यहाँ पर दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे हमने एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया, सूजी की तरह हम दरदरा पीस के तैयार किए हैं। अब मैं यहाँ पर आपके साथ हलवाई वाला मूंग दाल का हलवा बनाने की ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हम एक कटोरी में 1 चम्मच बेसन लेंगे और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच सूजी। ये बारीक सूजी आपके पास जो भी हो, बारीक या मोटी, कोई सी भी आप ले सकते हो। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच बेसन डालने से मूंग दाल का हलवा हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा।
हलवाई लोग भी मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए ये ट्रिक अपनाते हैं, इसीलिए आज मैं भी आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ। आप जब भी मूंग दाल का हलवा बनाए तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाइए, इससे आपका हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। अब हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी यहाँ पर गर्म हो गया है। अब घी के अंदर हम हलवे में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको रोस्ट कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसे हलवे में डाल सकते हो। अगर ड्राई फ्रूट्स आपके पास नहीं भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि मूंग दाल के हलवे का टेस्ट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा होता है। ड्राई फ्रूट्स हमारे भून के तैयार हो गए हैं, अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब उसी घी के अंदर ये सूजी और बेसन की जो सीक्रेट ट्रिक अपनाई है उसे डाल के भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए हम सूजी और बेसन को अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सूजी और बेसन हमारा अच्छे से भून के रेडी हो गया है। अब हम इसमें दरदरी पिसी हुई दाल को डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने दाल को डाला तो दाल ने सारा घी अब्सॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके और घी डालेंगे। अब मैं इसमें फिर से 2 चम्मच घी डाल रही हूँ और फिर इसको चलाएंगे। गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर हम दाल को नहीं भुनेंगे। दाल जैसे जैसे भुनना शुरू होगी वैसे वैसे दाल का कलर चेंज होता जाएगा। यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि दाल को हमने साबुत धो के भी भून लिया था, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है कि दाल हमारी यहाँ पर जल्दी भूनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको मूंग दाल का हलवा खाना ज़्यादा पसंद है तो आप दाल को पहले से ही रोस्ट करके और पीस के और एक डिब्बे में भर के स्टोर कर सकते हो, और जब आपका मन करे तब आप हलवा बना के और फटाफट तैयार कर सकते हो। दाल में हमें इतना घी डालना है कि दाल को जब हम पलटे से चलाएं तो दाल हमारी आसानी से चल पाए। हमें दाल को ड्राई नहीं रखना है, एकदम लिक्विड जैसा करके और इसे भूनना है, क्योंकि दाल जैसे जैसे भुनेगी वैसे वैसे ये घी को सोखेगी। और कहते भी है ना कि मूंग दाल के हलवे में तो जितना ज़्यादा घी होता है हलवा उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए, बहुत ही जल्दी हमारी दाल भुनकर तैयार हो गई है। दाल को हम यहाँ पर लगातार चलाते हुए भून रहे हैं, दाल का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब हम हलवे को दानेदार बनाने के लिए मैं इसमें 1/2 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। ये पानी डालने से एक तो दाल हमारी एकदम दानेदार हो जाएगी, और दाल को हमने यहाँ पर भिगोया नहीं था तो आप देख पा रहे होंगे कि दाल ने पानी डालते ही तुरंत पानी को अब्सॉर्ब कर लिया है। और ये देखिए, कुछ सेकंड्स के अंदर ही दाल ने पूरा पानी सोख लिया है और दाल हमारी यहाँ पर एकदम दानेदार हो गई है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 kg दूध लिया है, उस दूध को इस हलवे में ऐड कर देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते जाएंगे, और इसे तब तक मिक्स करना है कि इसमें एक भी गुठली ना हो। फ्रेंड्स, आप इस हलवे को बिना दूध के भी बना सकते हो, दूध की जगह आप इसमें 2-3 कटोरी पानी भी मिक्स कर सकते हो, उससे भी हलवा हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि रेखा जी ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पर तो मूंग दाल के हलवे का कलर ही चेंज हो गया है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे जैसे मैं हलवे को पकाऊंगी वैसे वैसे हलवा हमारे मूंग दाल के हलवे की कंसिस्टेंसी में आने लगेगा, और इसका कलर जैसा हमने शुरू में डाला था भूनने के लिए वैसा इसका कलर हो जाएगा। मूंग दाल का हलवा 3 कलर पलटता है, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कहाँ कहाँ इसने कलर पलटा है। अब हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जैसे जैसे मूंग दाल का हलवा बनने लगेगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा।
हलवे को हमें लगातार चलाते हुए ही पकाना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दाल ने पूरे दूध को अब्सॉर्ब कर लिया है और पूरे दूध को अच्छे से सोख कर लिया है। अब मैं इस स्टेज पर डाल रही हूँ इसमें एक कटोरी भर के चीनी। वजन के हिसाब से नाप के देखें तो 300 ग्राम चीनी है। अब चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी भी हलवे में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ पर आधे कप गरम दूध के अंदर 8 से 10 केसर के धागे भिगो के रख लिए थे, उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे हलवे का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और हलवा हमारा टेस्टी भी बनेगा। अब हम साथ ही साथ डालेंगे बारीक कुटा हुआ इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर से हलवे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम धीरे धीरे इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। यहाँ पर मूंग दाल का हलवा दूध और चीनी के साथ पक के और बहुत ही अच्छा कलर लाएगा। आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हलवा पक रहा है वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जा रहा है। अब हम बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स कट किए हैं वो भी ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। हलवे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पर 4 बार घी ऐड कर दिया है और आप देख पा रहे होंगे कि हलवे का कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। हलवा यहाँ पर दूध और चीनी के साथ पक पक के हलवाइयों जैसा बन के तैयार हो गया है और आप हलवे का कलर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हमने जैसा शुरुआत में भूनने के लिए डाला था वैसी दाल का कलर यहाँ पर फिर से आ गया है और यहाँ पर परफेक्ट हलवे का कलर आके तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये लीजिए मूंग दाल का हलवा बनके तैयार है और हलवे में चारों ओर से किनारों से घी रिलीज हो गया है। अब हम हलवे को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम हलवाई स्टाइल में मूंग दाल का हलवा बनके तैयार है। हलवे को देखते ही आपको पता लग गया होगा कि कितना दानेदार हलवा हमारा बनके तैयार हुआ है। इस हलवे की खास बात यह है कि हम इस हलवे को इंस्टेंट तरीके से बनाकर तैयार किए हैं। हलवे में वैसे तो हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे लेकिन हलवे को और भी ज़्यादा डिलीशियस और सुपर टेस्टी बनाने के लिए हम ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लेते हैं। इस हलवे को देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो आप इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप ये मूंग दाल का हलवा कब बना रहे हो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।